And well, for the last 10 days, Republic has relentlessly exposed the medical apathy in Bihar. Republic continues its investigation, and Republic Bharat's Gaurav visited the second best government hospital in Bihar, which is in Darbhanga. Here's the truth on ground that we're getting for you in this report. नरक से भी बदतर हालात में दरभंगा का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर एक खाली जगह पड़ी है। यहाँ पर शायद संभवतया टॉयलेट हुआ करता था, लेकिन अगर आप यहाँ के हालत देखें किस तरीके से कबाड़ घर की तरह पड़ा हुआ है। और अब हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की तरफ अगर आपको दिखाएं तस्वीरें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बेहद गंदगी है, ज़बरदस्त बदबू आ रही है यहाँ पर। और गंदगी का आलम ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी बुरे हालात हैं। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से ये बिहार के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के हालात हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH। हालात देखिए आप इसके, यहाँ पर जो परिजन हैं कितनी गंदी जगहों पर खाना बनाने को मजबूर हैं, आप देखिए यहाँ पर। और आइए अब आपको यहाँ के वार्ड दिखाते हैं उनको किस हालात में हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर किसी तरह की लाइट की कोई सुविधा नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो जो पूरा फ्लोर है काफ़ी गंदा है, आप देखिए। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीरें, आप ये देखिए, ये यहाँ से टूट टूट कर बिल्डिंग गिर रही है, टूट टूट कर गिर रही है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे हिला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी जो बिल्डिंग है जो इसका लोहा है वो टूट टूट कर गिर रहा है। इतने बुरे हालात हैं, देखिए फर्स्ट फ्लोर देखिए यहाँ पर आप, ये देखिए यहाँ पर, ये दिखाइए किस तरीके से टूटा हुआ है, पूरी तरीके से सारे छज्जे टूटे पड़े हैं। कोई छोटा बच्चा अगर यहाँ से निकल जाए तो अपनी जान गंवा देगा यहाँ से निकलने के बाद। और इतने बुरे हालात यहाँ पर है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि आपकी कल्पना से ज़्यादा है कि कोई अस्पताल कोई मेडिकल कॉलेज इतना ज़्यादा भी गंदा हो सकता है, जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स खुद पढ़ने आते हों, खुद ट्रेनिंग करने आते हों, जगह जगह से मरीज आते हों, उनके लिए ऐसे हालात यहाँ पर हैं। कितने बुरे हालात हैं देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर ये टूट टूट के गिर रहा है। नीतीश कुमार जी ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये छज्जा देखिए, ये देखिए, ये गिर रहा है, ये देखिए आप हालात देखिए यहाँ के। ये मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है जो कभी भी किसी के सर पर यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो टुकड़े हैं गिर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, और लोग इसी तरह से यहाँ जीने को मजबूर हैं। आप लोग मेडिकल कॉलेज में ही मरीज लेके आए हैं? अच्छा, आप लोग अस्पताल से हैं? देखिए ये हालत है, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और ये देखिए ये मेडिकल कॉलेज है जो कभी भी जमी दोज हो सकता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक सब के सब गायब हैं। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार गंदगी फैली हुई है और लोग इस तरह से रहने को मजबूर हैं। देखिए यहाँ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, उमेश राम। यहाँ पे हालात तो ऐसे हैं, बिल्डिंग गिर रही है यहाँ पर तो। हाँ हाँ, गिरने ही वाला है, कभी भूकंप या कुछ है, हल्का भी तूफान भी आएगा। हाँ। तो गिर सकता है, उसमें कितना आदमी मर सकता है, ऐसा स्थिति है। और गंदगी से रहा नहीं जाता, लेकिन मजबूरी से आदमी रह रहे हैं, क्या करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, क्या कहेंगे इतने गंदे हालत है अस्पताल के? उस पर गंदा है, सब बीमारी पकड़ता है सबको। हाँ। इसलिए बात होता है, यहाँ तो बहुत रहने लायक जगह नहीं है और यहाँ इलाज करा रहे हैं लोग। हाँ, इलाज करा रहा है। देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी आता है, बार घिने आल है बाथरूम, शौचालय पानी वानी कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। देखिए इतनी गंदी हालात है और लोगों के साथ ये अत्याचार, क्या कहें, अत्याचार की इंतहा है कि आप वोट लेते हैं, आप लोगों से टैक्स लेते हैं, सरकार के पास फंड होता है हेल्थ का, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग गिरने की हालात में है और लोग यहाँ पर जानवरों से बदतर स्थिति में लगातार रह रहे हैं इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार किसी बड़े हादसे का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पर किसी दिन बिल्डिंग गिरे और लोग अपनी जान गंवा दें, यहाँ पर आपाधापी हो, लेकिन शायद उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ रही है, या उसका भला नहीं करना चाहते? आखिर क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, इसका जवाब जनता मांग रही है, यहाँ बिहार की जनता मांग रही है। कमिश्नर पंकज के साथ गौरव श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत। ज़्यादा खस्ता हाल है, इसकी तस्वीरें देखने के लिए हम आपको लेकर आए हैं दरभंगा में।
और ये दरभंगा का मेडिकल कॉलेज है जो कि बिहार में पटना के मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन ऐसा लगता है मानो मुजफ्फरपुर के जो पूरा मामला है उसको लेकर कोई नीतीश सरकार ने सबक नहीं लिया है। और बिल्डिंग के अगर आप हालात देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बीमारी वाला पेशेंट आए तो उसकी जो बीमारी है वो सिर्फ यहाँ फैली गंदगी से ही बढ़ जाएगी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हैरान मत होइए, पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये कोई पड़ा हुआ खंडहर है जिसके अंदर कोई नहीं रहता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको मरीज़ नज़र आएंगे, उनके बेड नज़र आएंगे, छोटे बच्चे नज़र आएंगे, डॉक्टर नर्स सब नज़र आएंगे। और ये मेडिकल कॉलेज के हालात हैं, किसी खंडहर बिल्डिंग के नहीं। और अभी आप देखें तो ध्यान से नज़र यहाँ पर दिखाएं तो तस्वीरें सामने हैं किस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग में पीपल के पेड़ उगाए हैं जगह जगह पर, जो इसके छज्जे हैं वो टूट टूट कर गिर रहे हैं और बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी ये गिर सकती है। और ये बिल्डिंग आज की नहीं, 1951 की है। लेकिन बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए ऐसा किया नहीं जा सका। इस बिल्डिंग की जो रिनोवेशन होनी थी या इसके अलावा जो दूसरी बिल्डिंग बननी थी वो सालों से बन रही है, इसको एम्स में तब्दील करने की कोशिश है, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई है। इसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और चारों तरफ इस बिल्डिंग के इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि ये बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीवर की व्यवस्था न होने की वजह से मोटर लगा कर यहां से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां से पानी नहीं निकाला जा सका है। और उसके ही बिल्कुल सटा हुआ यहां पर वार्ड है जहां पर आप देख सकते हैं बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसकी गंदगी, इसमें पनपने वाले मच्छर, उसका सीधा सामना यहां के लोगों से हो रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ये बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो बाकी छोटे जगहों का क्या हाल होगा। और यहां जिस तरीके से जर्जर हालत में बिल्डिंग है, लोग यहां पर बिल्कुल ही अमानवीय तरीके से रहने को मजबूर हैं। और सवाल यह है कि आखिर ये मेडिकल कॉलेज जो दरभंगा का है इसको कब बेहतर किया जा सकेगा, या नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो किसी और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जर्जर बिल्डिंग कभी टूट कर गिरे, कभी कोई इसका हिस्सा गिरे, लोगों की जान जाए, या इस गंदगी और पनपने वाले मच्छर से जो यहाँ आने वाले मरीज हैं वो और ज़्यादा बीमार हो जाएं। इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। और मुजफ्फरपुर के मामले ने जिस तरीके से वहाँ बच्चों की मौत हुई, वहाँ के मेडिकल कॉलेज की पोल खोली श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज की, अब परत दर परत बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल रही है। बीमारू राज्य माना जाने वाला बिहार आज इस हालत में है कि इसके मेडिकल कॉलेज भी आज मरणासन्न अवस्था में है और इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अभी यहाँ पर कहा जाए तो किसी भी तरह की स्तरीय सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ज़रूरत है और ज़्यादा बेहतर करने की, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा नारकीय व्यवस्था है कि जिसको देख कर लोग हैरान हैं। और देखिए यहाँ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं हम। भाई साहब क्या नाम है आपका? रमन कुमार सिंह। ये हालत मेडिकल कॉलेज देखने में लगता है तो इसकी काफी बदतर हालत है यहाँ पर। हाँ बदतर तो है, ये गंदगी है चारों बगल। तो यहाँ मरीज तो आएंगे और बीमार हो जाएंगे, बीमार तो होना ही है। तो आप लोग को लगता नहीं कि नीतीश कुमार जी को इतने साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम बेहतर कर? डीएमसी जो अस्पताल में गए थे, इतना गंदगी है सर, उसमें से रात ही परेशान हूँ मैं सर, रात से ही परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कैसे लोग रह रहे हैं, एक बेड पर चार चार आदमी रह रहे हैं सर, और मरीज को इतना बुरा हाल है सर। मैं रह रहा हूँ बाहर रात भर, एक जरा बीच बैठने की मौका नहीं मिला सर। अच्छा। अभी तक अच्छा। सर मैं एक बेड पर चार आदमी देखा सकता हूँ डीएमसी के अस्पताल का, चार बेड, वही हालत है जैसे मुजफ्फरपुर में। भाई साहब आप नहीं आप जानकार महसूस प्रतीत होते हैं, लेकिन ये बताइए इतने सालों से तो मुख्यमंत्री हैं वो, हमको तो कहाँ डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं। हाँ, स्टाफ हमको है, नहीं लीजिए आप कैमरा, आप लोग काम कैमरा से अलग बात कीजिए ना, मैं बताऊंगा। काम तो लेकिन करते हैं, कैसे कर पाते हैं इस हालत में? बहुत मुश्किल से करते हैं, ये हालत तो किसी बूचड़ खाने से भी बदतर। जी 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 जी, यहाँ आप लोग को काम करना पड़ता है मरीजों को, पानी हम लोगों के लिए पानी का मतलब उपलब्धता नहीं है, हम लोगों के लिए लेट्रिन पेशाब करने का जगह नहीं। अंदर भी देखिए लेट्रिन का क्या हाल है, अंदर देखिए जो बाथरूम का क्या हाल है, जो आप टप नहीं सकते। ठीक है, तो ये हालात हम आपको दिखाएंगे। और ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ कह रहे हैं और यहाँ के हालात आप देख रहे हैं, शायद नीतीश कुमार जी के जो चरण हैं वो यहाँ पर नहीं पड़ते हैं तो शायद हालात बेहतर हो जाती, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब है दरभंगा मेडिकल कॉलेज की कि यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग गिरने के हालात में है, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। और सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार को क्या समस्या है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में, आखिर उनसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर क्यों नहीं होती।
बिहार को मिलने वाला स्वास्थ्य का बजट कहाँ जाता है। अगर यहाँ पर एक भी रुपया इतने सालों में लगा हो तो शायद दिखाई देता, लेकिन सालों से ये बिल्डिंग ना पेंट हुई है ना यहाँ पर कोई मरम्मत हुई है। तो नीतीश कुमार जवाब दें कि आखिर बिहार के मेडिकल कॉलेज इतनी बुरे हालत में क्यों हैं। कमिश्नर पंकज के साथ गौरव श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, दरभंगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के हम कंपाउंड में हैं और आप यहाँ पर अचरज में हो जाएंगे जब यहाँ के आप हालात देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से नाला बह रहा है यहाँ पर, और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कोई आदमी अस्पताल में आकर स्वस्थ हो जाएगा। और वहीं बिहार के नेता मंत्री कहते हैं कि गांव गरीबी और गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन शायद किसी भी गांव से ज़्यादा बेहद गंदा इलाका ये मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर पूरा नाला भर रहा है, कचरा भरा हुआ, और ऐसे लग रहा है जहां पर सालों से सफाई नहीं हुई है। ये हालत है एक मेडिकल कॉलेज की, और शायद शर्म आनी चाहिए बिहार के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, स्वास्थ्य मंत्रियों को, इलाके के विधायक सांसद, जो यहाँ शायद कभी अपनी नज़रें इनायत नहीं करते हैं ताकि यहाँ पर जनता का भला हो सके। लेकिन आप हालात देखिए, और इन्हीं हालात में मरीज रहने को मजबूर हैं, मेडिकल स्टाफ काम करने को मजबूर है, और ये नारकीय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोग भी मौजूद हैं और आप इनकी जुबानी सुन लीजिए कि आखिर यहाँ स्थिति, सर यही बताइए, इतने सालों से आप देख रहे होंगे ये ऐसी ही हालत है यहाँ मेडिकल कॉलेज? ऐसी हालत है, एकदम कोई चेंजेज नहीं है, कहीं कोई चेंजेज नहीं है, ना यहाँ कोई एक दूसरे को सुनने वाले हैं। डॉक्टर अपनी मर्जी से, नर्सेस अपनी मर्जी से, सफाई कर्मी अपनी मर्जी से, पेशेंट 10 रुपया दे के लैट्रिन जा रहा है। अच्छा, है कि नहीं? ये बताइए, ये तो गटर जैसे हालत है यहाँ पर। तो ये तो आप दिखा ही रहे हैं पर्दा पर क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, मंत्री बैठे हुए देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे देख रहे हैं। ये दीवार गिर जाएगा, हम लोग का कपार फट जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कल एक्सीडेंट हुआ, हम लोग ये देखिए, ये 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 दरभंगा का मेडिकल कॉलेज है, ये देखिए आप, ये यहाँ पर इस तरीके से ये प्लास्टर जो है टूट टूट कर गिर रहा है, और ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में आप देखिए, देखिए ये किस हालत में है। यहाँ पर इस कभी भी हादसा हो सकता है, ये जर्जर बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इस लायक नहीं है। और इस बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भरा हुआ है जो बिल्डिंग को और कमज़ोर बना रहा है, लेकिन जो नया कैंपस बनना है वो सालों से बन रहा है, और मरीज यहाँ पर जानवरों की तरह रहने को मजबूर हैं। कैसे यहाँ पर मरीज रह पाएंगे, इतनी स्थिति खराब है बाबा? एकदम सही बात है, नेता विधायक कोई सांसद कोई नहीं पूछता मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या? एकदम बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं रह गए यहाँ पर। नहीं, इतने साल भी रहे तो कुछ नहीं कर पाए वो, कुछ तो नहीं कर पाए। क्या बदली यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कोई सुशासन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुशासन हो गया, कुशासन हो गया। भाई साहब बताइए, ये आप लोग मरीज लेके आए हैं? जी जी। तो ये कितनी गंदगी आई? तो घर सर गंदगी भी है सर, मैं 3 रोज से यहाँ पर, यहाँ बेडशीट नहीं, नीचे में रहना पड़ता है सर, यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ नर्स। तो ये बताइए, नेता मंत्री कहते हैं कि जो बीमारी है वो गांव में होती है, गरीबी की वजह से होती है, गंदगी की वजह से। यहाँ क्या गांव तो इससे साफ होते हैं? जी, यहाँ पर तो यहाँ पर शौचालय व्यवस्था नहीं है सर, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो बेकार है, खाली DMC का नाम दिया है ना। महिलाएं यहाँ पर है, माता जी आप बताओ, यहाँ शौचालय जाने की कोई व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं है। कहाँ जाते हैं आप लोग? व्यवस्था यहाँ पर का माने जो ये जो पेशेंट का आदमी सब है, उस अपना माने तरीका जानेगा तब ना, करेगा तब ना। हम लोग सफाई भी करते हैं इतना अच्छा से। अरे शौचालय को तो है ना, कितनी गंदगी है। यहाँ पे स्टाफ है ना, ये देखिए। तो ये बड़ा सवाल है कि किस तरीके से सफाई की जाए यहाँ पर, लेकिन साफ सफाई नहीं हो पाई। और लोग यहाँ पर, इतने सारे लोग यहाँ बानगी दे रहे हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि दरभंगा का मेडिकल कॉलेज किसी जानवर के बाड़े से भी गंदा है, किसी सुअर बाड़े से भी गंदा है, लेकिन यहाँ पे मरीज रह रहे हैं, यहाँ पर आदमी रह रहे हैं, यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं और महिलाएं रह रही हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी सांसद मंत्री, सबकी आंखें बंद हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों नहीं आते, क्या वो अपने बच्चों का इलाज यहाँ पर कराएंगे। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब यहाँ से जनता मांग रही है दरभंगा की। हम सर पंकज के साथ गौरव श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, दरभंगा।